जादू नगरी की हड़बड़िया सर पे चढ़ गई जादूगरिया, ये है इसकी जादूगरिया। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। कितने बुरे लोग हैं, बच्चों का एहसास ही नहीं है किसी को। जब किसी को बच्चों का एहसास नहीं है तो हम बड़ों का एहसास क्यों करें? जबरदस्ती करना पड़ता है ना, वरना हम बदतमीज खिलाएंगे। जिनी तुम अपने जादू से पैसे ले आओ ना। यार हर मामले में जादू ठीक नहीं होता। हाँ जिनी ठीक कह रहा है, हर मामले में जादू ठीक नहीं होता। इतने तमीजदार बन रहे हो तो जाओ पैसे भी लेकर आओ फिर। मैं तो मम्मा पापा से नहीं मांग सकती। मांग भी लो ना, सवाई लेक्चर और डांट के कुछ नहीं मिलना। पापा तो महंगाई में एक घंटे का लेक्चर सुना देंगे फिर। तो फिर क्या करें? मुझे तो रोना आ रहा है यार। क्या करूं जादू से बताओ। आइडिया, क्यों ना हम अपने घर में मैजिक शो रख लेते हैं। मैजिक शो अपने घर में? हाँ क्यों नहीं, मोहल्ले के सारे बच्चों को घर पे बुलाते हैं और जीनी उनके सामने मैजिक करेगा। किसी को क्या पता कि जीनी कौन है। वेरी गुड, बच्चे मैजिक शो देखेंगे, हम उनसे पैसे ले लेंगे। बिल्कुल, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। और मैजिक शो के मेहमान खसूस होंगे मम्मी पापा। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, मम्मा पापा के सामने मैजिक शो कैसे हो सकता है। उनके सामने नहीं लेकिन पीछे तो कर सकते हैं ना। मतलब हम उनसे कहेंगे कि वो अपना मुंह पीछे करके बैठ जाए, है ना। जीनी जब अकल बैठ रही थी मैं चलने लगे खड़ा हुआ था, मुझे मालूम है। नहीं जब अकल बैठ रही थी तो बाथरूम में थे। ठीक है मैं नहीं दिखा रहा मैजिक शो, तुम खुद कर लो। देखो बस लग गया रोने। अच्छा ना जीनी, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ। मामा पापा को किसी बहाने से बाहर भेजना पड़ेगा, फिर ही मैजिक शो कर पाएंगे हम। लेकिन बहाना क्या बनाए? वो मैं जानता हूँ, तुम लोग सिर्फ खामोश रहना। गरम ये नंबर की बजाय हॉस्पिटल क्यों लिखा हुआ आ रहा है सलमान? इसका मतलब है कि हॉस्पिटल से फोन है। उठा उठा बल्कि स्पीकर ऑन करो। ओ हेलो, आप सबा बात कर रही हैं? जी जी सबा बात कर रही हूँ। एक्चुअली आपकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया। मेरी अम्मी का एक्सीडेंट? कहाँ कैसे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे नहीं नहीं आप परेशान ना हो, मामूली सी चोटें आई हैं एक्सीडेंट में। लेकिन आप कौन से हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल सफूरा के करीब है। सफूरा? लेकिन वो तो बहुत दूर है। हाँ तो हम भी तो यही चाहते हैं कि आप लोगों को आने जाने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाए। क्या मतलब? देखें जगह हमने बता दी है, हॉस्पिटल अब आप खुद ढूंढ लें। खुदा हाफिज़। अब सफूरा के करीब कोई हॉस्पिटल है क्या? 2-3 है सभा। पर पता नहीं अम्मी कौन से हॉस्पिटल में होंगी, जाके देख लेते हैं ना। वैसे पूरा बहुत दूर नहीं है क्या? तो घर में बैठे रहे, अम्मी को छोड़ देते हैं। हाँ सही कह रहे हो, चलो चले जल्दी करो आ जाओ। जीनी मामा तो परेशान हो गई होंगी ना। अरे नहीं मैंने बोला सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। लेकिन नानी अम्मी इतना दूर कर क्या रही थी? अरे रूहान नानी अम्मी अपने घर पर ही है, जीनी ने तो झूठा बहाना बनाया है। ओ अगर मामा ने उनको फोन कर लिया तो? अरे नहीं यार। अब क्या किया? तुम्हारी नानी अम्मी का फोन बंद। ये चीज अब हमारे पास सिर्फ 2-3 घंटे हैं। चलो फिर जल्दी से सारे मोहल्ले के बच्चों को बता के आते ना। अभी रुक जाओ, पहले मम्मा पापा को घर से निकलने तो दो। वैसे मैजिक शो होगा लॉन में? बहुत गर्मी होती है, सारे सीन फिर वहीं करने पड़ेंगे हमें। अरे मुझे तो गर्मी सर्दी लगती नहीं है। जानवर को भी नहीं लगती। अब तो मैजिक शो लॉन में ही होगा। जाहिर सी बात है अगर लॉन्च में करेंगे तो मम्मा पापा तो वैसे ही पकड़ लेंगे। वो नानी अम्मी को देखने सफूरा गए होंगे, वापस आकर लॉन्च को उजड़ा देखकर रात का हमारा खाना बंद कर देंगे। नहीं नहीं फिर तो लॉन ही ठीक है। अरे वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारे मम्मा पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं या किसी शादी में, अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं निकले। सलमान तुम हॉस्पिटल जा रहे हो किसी पार्टी में? हॉस्पिटल? तो फिर तैयार होने की क्या जरूरत है? सभा हॉस्पिटल में खूबसूरत खूबसूरत नर्सेस भी तो होती हैं। तो तुम क्या वहाँ उनसे रिश्ता मांगने जा रहे हो सलमान? मैं तो नहीं मांगूंगा लेकिन उनमें से किसी ने मांगे तो फिर। सलमान मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया यार। अरे मामूली सा। अरे सब लोग ऐसे कहते हैं। नर्सेस को? एक्सीडेंट को सलमान, ताकि सामने वाला ज्यादा परेशान ना हो। सभा लेकिन हमारे सामने तो उरूज साहब रहते हैं, वो क्यों परेशान होने लगे? मैं तुम्हें समझा नहीं सकती सलमान, प्लीज अब चलो। चल रहा हूँ, पहले शू के लेसेस तो बांधने दो। जल्दी करो ना। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अम्मी का एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो भी घर से इतनी दूर, मैं क्यों ना अम्मी को फोन कर लूं? सबा ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया, तुम बिल्कुल ही गायब दिमाग हो चुकी हो यार। जी जी बहुत शुक्रिया, कर रही हूँ फोन। अम्मी का फोन बन जा रहा है, जरूर कोई सीरियस मसला है। नर्सेस का? अम्मी का। सलमान अब चलो ना। चल रहा हूँ, गाड़ी की चाबी तो ले लूँ। गाड़ी बैंक वाले वापस लेके जा चुके हैं, टैक्सी में जाना है। तो फिर मंगवाओ ना। गाड़ी तो कब से बाहर खड़ी है सलमान, पता ही क्यों नहीं। अरे बेटे के पैसे बन रहे होंगे, चलो चलो।
नानी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया और आप लोग अभी तक घर पे हैं? सलमान की वजह से देर हुई है। मुझे पता हो टैक्सी बाहर खड़ी है ना, मैं सेकंडों में तैयार हूँ। क्यों पापा? टैक्सी के चलने के बाद उतने पैसे नहीं बनते जितने वेटिंग में बनते हैं। अब आप लोग जल्दी जाइए, न जाने नानी अम्मी किस हाल में होंगी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि नानी अम्मी का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ मम्मा, मेरे पास भी फोन आया था ना। हाँ, वो सफूरा वाला हॉस्पिटल में है ना। बिल्कुल ठीक है। और देखो कि थी, हमारे पीछे दरवाजा लॉक करके रखना और कोई भी आए लॉक मत खोलना। पापा, अगर रूद साहब आ गए तो? उन्हें तो गोली मार देना। लेकिन पापा, हमारे पास तो गन ही नहीं है। अरे मार्बल है ना, उसी से मार देना। और फ्रिज में खाना रखा है, अगर भूख लगे तो गर्म करके खा लेना। ओके मामा, डोंट वरी, आप हमारे लिए परेशान ना हो। सिर्फ नानी अम्मी का। अम्मी सब परेशान हो, चलो ना चलते। अच्छा बच्चो जा रहे। लेकिन ये जीनी कहाँ है? अब वो मोहल्ले के बच्चों को मैजिक शो के बारे में बताने गया है। दोस्तों, आज जीनी आपको वो जादू दिखाएगा जो दुनिया में किसी मैजिशियन ने आज तक नहीं दिखाया होगा। रोहन और गीति, अगर आपने पैसे जमा कर लिए हैं तो आप प्लीज साइड में जाएं, क्योंकि हमारा जादू शुरू होने जा रहा है। तो बच्चों, आपने अपने स्कूल की कलर पेंसिलें तो आपको याद होंगी ना, जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं जी। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। अरे यहाँ तो आप मैजिक देखने आए हो, स्कूल का होमवर्क करने थोड़ी आए, तो पेंसिलें वापस। अब मैं आपको बहुत ही खौफनाक आइटम दिखाने जा रहा हूँ, जिससे किसी बच्चे की जान भी जा सकती है। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। चलें, ऐसा मैजिक नहीं करते, आपको दूसरा मैजिक दिखाते हैं, ये चेक करें। अरे अरे, चिप्स कहाँ से आ गए? चले अब आ ही गए तो दोस्तों शुरू हो जाओ। रोहान, पैसे तो कम है लेकिन मैंने तो सबसे लिए थे, लेकिन टोटल कम है ना, तो क्या करें? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, असल में बच्चे भी तो इतने ही कम आए ना। राहिल और राहिल के सारे कजन नानी के घर गए हुए हैं, वो आ जाते तो और अच्छा हो जाता। अब पैसे कैसे जमा करें? एक काम करते, जीनी से पूछते। जीनी। हाँ, क्या हुआ? अब पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं, सारे मोहल्ले के बच्चे नहीं आए इसलिए। मैंने तो सारे बच्चों को कहा था। अब सारे बच्चों के पेरेंट्स तो परमिशन नहीं देते ना। जो जो बच्चा नहीं है ना, उनके घरों की खिड़कियां तोड़ूंगा मैं। ये अच्छे काम करते करते शैतान कैसे बन गए तुम? तो क्या करें यार, पैसे कम पड़ गए हैं। अरे तुम फिक्र ना करो, मैं इन्हीं बच्चों से पैसे निकलवाऊंगा। अच्छा, वो कैसे? अरे भाई, ये क्या क्या कि अगर और मैजिक देखना है तो और पैसे लेके आओ। लेकिन क्या उनके घर वाले और पैसे दे देंगे? अरे ये बहुत अमीर लोग हैं, इन्हें 500 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ ना। जा रहा हूँ। आई होप कि पैसे जमा हो जाए। और हाँ, तो दोस्तों आपने चिप्स खत्म कर लिए, चलें आपको एक और जादू दिखाते हैं। अक्कल बक्कल बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। अरे भाई ये क्या, मैं आपको यहाँ मैजिक दिखा रहा हूँ और आप मेरी तरफ पीट करके बैठे हुए। चले कोई बात नहीं, ये ले। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे मैजिक दिखा दिए, अगर आपको और मैजिक देखना है तो पैसे और देना पड़ेंगे। तो आप तैयार है मैजिक देखने के लिए? तो फिर घर जाए और 500 रुपए और लेके आए, जब तक हम आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। जंतर मंतर करे धमाल, कली कलंदर नया बबाल, जिनका बच्चा मिला कमाल, उम्र है जिसकी 500 साल। हाँ बताओ, बच्चे पैसे ला रहे हैं? अरे क्यों नहीं लाएंगे, लाएंगे भाई, उनको ऐसा मैजिक और कौन दिखाएगा। लेकिन अभी मैंने उन्हें आधे घंटे का ब्रेक दिया। लेकिन याद रहे, मम्मा पापा किसी भी वक्त आ सकते हैं। अरे वो सफूरा गए 2-3 घंटे से पहले, नहीं आएंगे। लेकिन अगर आ गए तो? अगर आ गए तो हम लोग फंस जाएंगे भाई, मैं तो सारा इल्जाम दीदी पे लगा दूंगा। मुझ पर क्यों लगाओगे, प्लानिंग तो सबने मिलकर की है ना। अरे भाई सारा इल्जाम मुझ पर लगा देना। क्यों? वाह, बहुत चलाको, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है। मैं इंसान नहीं, जीनू। अच्छा, अब आर्गुमेंट बंद करो और दुआ करो कि सारे बच्चे वापस आ जाएं और साथ पैसे भी लें। और जीनी, तुम तो एक काम करो ना, तुम ना अम्मा पापा को कॉल करो, उनको बोलो नानी अम्मी किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई है। नहीं नहीं रूहान, ज्यादा हो जाएगा, मम्मा परेशान हो जाएंगी। और पापा का टैक्सी का किराया देते देते दिवालिया निकल जाएगा। बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए यार? अरे आ जाएंगे ना यार, मैंने आधे घंटे का ब्रेक दिया उन्हें। आ गए। अच्छा दोस्तों, आप में से किसी के पास रुमाल है क्या? नहीं? अरे वो तो मेरे पास है, एक मिनट। अरे अरे भाई, क्या हो गया, इतना बड़ा रुमाल? ये रुमाल है, ये चादर, ये तो वो चादर है दुनिया की सबसे बड़ी चादर है। अरे इससे मैंने अपनी नाक पोछूंगा या पूरी दुनिया की नाक पोछूंगा? अरे बस कर गया भाई, बस कर गया, बस कर गया। आता जा रहा है,
आते बताओ कितने हो गए? पूरे हो गए। Yes, बल्कि कुछ ज्यादा ही हो गए। ये तो और अच्छी बात है। जीनी बेचारा अभी तक उनको मैजिक दिखा रहा है। चलो मैजिक शो एंड करवा देते हैं, मामा पापा किसी भी वक्त आ सकते हैं। हाँ चलो मैजिक शो एंड कराते हैं और बच्चों को थैंक्स भी तो बोलना है। हाँ चलो चलो चलो। तो प्यारे दोस्तों, हमारे मेजबान रोहन और गीति आ चुके हैं, इसका मतलब है कि हमारा काम हो गया है। तो रोहन और गीति के लिए तालियां। और हम आप सबको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे मैजिक शो में आए और आप लोगों ने हमारा बहुत बड़ा मसला भी हल कर दिया। और इसके साथ ही आज का मैजिक शो होता है खत्म। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। ये है इसकी जादू। चल तो अपना हुलिया ठीक कर, अम्मा बाप कभी भी आ सकते हैं। शुक्र है मम्मा पापा के आने से पहले शो खत्म हो गया। एक शो नहीं दो शो। लेकिन तुमने मम्मा पापा को भेजा किधर? अरे कहीं नहीं, बस आ रहे होंगे। लो आ गए। लेकिन पापा के पास तो की है, फिर क्यों वो बेल बजा रहे हैं? हमें होशियार करने के लिए। हाँ, जैसे पुलिस आने से पहले साइरन बजाती ना, ऐसे। लेकिन दोनों बहुत तपे हुए होंगे। नानी ठीक है मॉम? ज्यादा चोटें तो नहीं आई उनको? तुम्हारी नानी घर में सुकून से बैठी है, मजाक किया हमारे साथ। आज 1 अप्रैल है। नहीं तो? अच्छा ये बताओ, तुम लोग ने खाना खाया? भूख नहीं लगी थी हमें, और हमने सोचा कि पहले आप लोग आ जाएं फिर हम इकट्ठा खाना खाएं। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। किसे भूख ज्यादा लगी अब? मुझे पापा। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें भूख नहीं लग रही। आप लोगों को देख के भूख लग गई। अब मामा पापा कोई खाने की चीज़ें जो इनको देख कर तुम्हें भूख लग रही है? अब ये हंस कौन रहा है? अरे नहीं नहीं पापा, आपके तो कान बज रहे हैं। 120 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद इंसान के कान ही नहीं दिमाग भी बजने लगता है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। दिमाग बजवाने सलमान पास? पूरे रास्ते तुम बहुत बोलते हुए आए, अब मत बोलो, मेरे सर में दर्द हो रहा है तुम्हारी बकवास सुनकर। हां तुम तो बिल्कुल चुप थी ना, तुमने तो कोई बात ही नहीं की ना। ये मामा पापा को क्या हो गया? वही जो हमेशा होता है, लड़ते ही रहते हैं एक दूसरे से। सलमान हद होती है यार, तुम बच्चों के सामने क्यों शुरू हो जाते हो? मैंने बच्चों के सामने कुछ नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती लेकिन इतना गंदा मजाक किसी ने हमारे साथ किया क्यों? अम्मी बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अम्मी ने फोन बंद क्यों किया? इत्तफाक भी तो हो सकता है। तुम्हें पता है टैक्सी का टोटल किराया कितना बना? कितना बना है? 3,435 रुपए। क्या? तुम्हारी अम्मी को बीमार होना ही था तो इतने दूर वाले हॉस्पिटल में जाकर क्यों बीमार हुई? अम्मी बीमार नहीं हुई है सलमान। लेकिन उन्होंने हमें बीमार कर दिया। हम कब बीमार हुए हैं? जिस तरह से तुम मुझसे लड़ रही हो ना, इसे नफसियाती बीमारी कहते हैं। तुम्हारा मतलब है मैं पागल हूँ? हाँ, क्योंकि कोई भी तुम्हें फोन करके पागल बना सकता है। अच्छा पापा बहुत हो गया, आई एम सॉरी। ओके, हमारी वजह से मम्मा पापा की लड़ाई हो गई। और जिन्हें भी तो मम्मा पापा को कितनी दूर भेज दिया था? क्या पड़ोस में भेज देता उरुज अंकल के यहाँ, ताकि वो 5 मिनट में वापस आ जाते। चीनी ठीक कह रहा है, अगर मम्मा पापा करीब में जाते तो वो वापस भी तो जल्दी ही आ जाते। उन्हें शॉपिंग करने भी तो भेज सकते थे ना। तुम्हारे पापा को तो शॉपिंग मॉल में हर बिकने वाली चीज महंगी लगती है, इसीलिए तो तुम्हारी मामा को अपने साथ शॉपिंग में लेके नहीं जाते। पापा को सिर्फ संडे बाजार जाने का शौक है। अब तो संडे बाजार भी उन्हें महंगा लगने लगा है, उनके लिए तो कोई मुफ्त बाजार लगाना पड़ेगा। पापा का मजाक मत उड़ाओ जीनी। तो तुम्हारा उड़ाऊं? हम लोग आपस में इतनी आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं? मैं मैजिक दिखा के थक गया, लेकिन इसे एहसास ही नहीं है। और मैं भी नोट गिनते थक गया हूं। शुक्र है जो हमारा मकसद था वो तो पूरा हुआ ना। हाँ ये बात तो है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, किसी बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अब जल्दी से। अरे बस अब सब कुछ बता के क्या एंड खराब करोगे? अच्छा सलमान आई एम रियली सॉरी ना, कब तक ऐसे मुंह फुला के बैठे रहोगे? जब तक कि तुम मुझे खाना नहीं दोगी। इतनी भूख लगी है कसम से। ओए मैं तो भूल ही गई थी, और बच्चे भी तो भूखे होंगे। बाहर से पिज्जा ऑर्डर करते हैं। सलमान अभी इतने पैसे टैक्सी पे खर्च किए हैं यार। नहीं 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 घर का खाना ही ठीक है। अम्मी का फोन है, उनसे कहना अगर इस दफा इलाज करवाना है ना तो किसी करीबी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। अम्मी का फोन नहीं है साथ वाली नेबर जवेरिया का फोन है। हेलो हाय जवेरिया, कैसी हो? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब है कि मेरे बच्चों ने मैजिक शो रखा था घर में? मैजिक शो? क्या पैसे भी लिए? और वो भी 2 बार 500-500? अनबिलीवेबल। नहीं नहीं तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं सारे पैसे वापस करा दूंगी। हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे फोन करके बता दिया। ओके बाय। क्या हुआ सलमान? हमारे बच्चे ने मोहल्ले के बच्चों को बुला के एक मैजिक शो किया, और तुम्हें पता है मोहल्ले के बच्चों से 1,000-1,000 रुपए भी लिए। मेरे बच्चे तो मुझसे भी ज्यादा ज़हीन हैं। ओहो सलमान ये बहुत बुरी बात है,
पता नहीं उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को कैसे बेवकूफ बनाया और पता है पूरे मोहल्ले में हमारी नाक भी कटवा दी। नाक कटवा दी तो हम सांस कैसे लेंगे? वैसे भी कहा ना सांस लेने देते हैं सलमान, लेकिन जो तुम्हारे बच्चे हैं ना इनको आज मैं नहीं छोड़ूंगी। कच्चे से आ जाओगी क्या? चलो यार अब जल्दी से जाके काम खत्म करें। और मुझे तो बहुत भूख लग रही है। गीती, रोहान, तुम लोग ने घर में मैजिक शो कराया था? मैजिक शो जी, और मोहल्ले के बच्चों से हजार हजार रुपए भी लिए हैं। पापा हमें मैजिक शो करने के लिए मैजिक भी तो आना चाहिए ना। और मुझे और रोहान को तो मैजिक आता भी नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे, सामने वाली आंटी ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। यार मुझे बता दो कि मैजिक करते कैसे? पापा हमें मैजिक नहीं आता। उल्टी सीधी हरकतें करके बच्चों को बेवकूफ बनाया होगा बस। ये उल्टी सीधी हरकतें क्या होती हैं? जैसे मैं करता हूँ ये तुम्हारी मामा बोलती हैं। ओहो सलमान प्लीज सच सच बताओ या मैं तुम लोग की तलाशी लूँ। अब ये कौन है? मोहल्ले वाले आए होंगे इनकी शिकायत करने। मैं जाके देखता हूँ। और तुम लोग भी चलो, तुम लोग से मैंने बात करनी है। उठो, शाबाश। सलमान ये कौन है? ये हमारी गले के चौकीदार है। क्या ये भी शिकायत लगाने आए हैं? ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। बताइए क्या परेशानी है आपकी? बेगम साहब, हमारा एक लड़का है चनारगुल, हम बहुत मुश्किल से उसको स्कूल पढ़ा रहे, मगर क्या करे कि उसका 2 महीने का फीस शॉर्ट हो गया। अब स्कूल वाला बोलते हैं कि अगर इसका फीस नहीं दिया ना तो इसको हम स्कूल से निकाल देगा। ये रोहन बाबा जो है ना, ये हमारे बच्चे को पढ़ाता है कभी कभी आकर, तो इसने मेरे से वादा किया है कि 2 महीने का फीस कहीं ना कहीं से करके दे देगा आज। चौकीदार बाबा, हमने आपकी बेटी के लिए ना पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। और ये आपकी बेटी की 2 महीने की फीस, बल्कि उससे थोड़ी ज्यादा ही है। आप इनसे ना अपने बेटे को अच्छे से खाना भी खिला दीजिएगा। बेगम साहब, आपका बच्चे जो है ना परिश्ता है परिश्ता, हम आप लोगों का एहसान कैसे अदा करेगा? अरे अरे चौकीदार साहब, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरे बच्चों का फर्ज था जो उन्होंने पूरा किया। और आइंदा से आपके बेटे की स्कूल की फीस हम देंगे। मेहरबानी से बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। वो मैजिक शो इसलिए था सलमान, लेकिन मोहल्ले वालों के पैसे तो हम फिर भी लौटाएंगे। वो तो मैं वापस कर दूंगा सलमान, लेकिन इनकी सजा का क्या करेंगे? इनकी सजा ये है कि हम आज और अभी इसी वक्त बाहर खाना खाने जाएंगे। बाहर का खाना क्या कह रही हो? टैक्सी का किराया? सलमान आज की ट्रीट मेरी तरफ से। ये है इसकी जादूगरिया, जादू नगरी की हड़बड़िया, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। Oh,